हेलो दोस्तों, बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाज़ार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम एक ऐसे डेट फ्री शेयर से रिलेटेड बातें करने वाले हैं जिसके ऊपर एक तो डेट फ्री है, कोई भी किसी भी तरीके का कर्ज़ा नहीं है। एज वेल एज़ अगर हम शेयर की बात करें तो इंडियन गवर्नमेंट आने वाले टाइम में उस सेक्टर में बहुत सारा लैक्स ऑफ करोड़ रुपीज़ खर्च करने वाले हैं और उन शेयर्स को डायरेक्ट फ़ायदा मिलेगा। तो उससे रिलेटेड एक कंपनी है, उससे रिलेटेड बातें करने वाले हैं और काफ़ी सालों बाद उस कंपनी ने डिविडेंड भी दिया है। तो आइए इससे रिलेटेड बातें कर लेते हैं, देख लेते हैं कि शेयर से रिलेटेड कुछ फंडामेंटल एनालिसिस कर लेते हैं। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। बट बिफोर दैट आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाज़ार को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ ताकि इस तरीके की वीडियो आपको मिलती रहे। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको रिटर्न्स दिखाना चाहता हूँ उसके। देखिए, वन डे का रिटर्न पॉजिटिव, वन वीक का रिजल्ट पॉजिटिव, वन मंथ, थ्री मंथ्स और अगर सिक्स मंथ की बात की जाए तो लगभग 155.36% के रिटर्न इसने दिए। एक साल में लगभग 250% के रिटर्न इसने दिए हैं, दो साल में 172 और लॉन्ग टर्म में भी अगर बात की जाए तो 315% के 10 साल में रिटर्न दिए हैं और कोई बुरी बात नहीं है। और दो साल में तो कंपनी इतनी भागी है कि काफ़ी अच्छे रिटर्न इस कंपनी ने दिए। शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं एक बार। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखिए, प्रमोटर्स ने इस बार लगभग -0.21% की हिस्सेदारी कम करी है, 57.17 से 56.96। और फॉरेन इन्वेस्टर इसमें कोई हिस्सेदारी नहीं रखते, म्यूचुअल फंड भी नहीं रखते, इंश्योरेंस कंपनी भी नहीं रखती और अदर DIS की पहले हिस्सेदारी थी जिसमें उसने कम करके 0.17% से कम करके अब 0.0% हो गई है। नॉन इंस्टीट्यूशन की बात की जाए तो उन्होंने अपनी हिस्सेदारी 0.37 से बढ़ा के तो लगभग 43.03% की हिस्सेदारी अब हो गई है। और प्लेजिंग की बात की जाए तो कोई भी शेयर इनका प्लेज नहीं है, किसी भी शेयर को कंपनी ने गिर भी नहीं रखा है अगर इसकी बात की जाए। एक बार हम बात कर लेते हैं इसके बैलेंस शीट की तरफ। तो बैलेंस शीट काफ़ी अट्रैक्टिव नज़र आ रही है, जैसे कि मैंने बताया डेट फ्री कंपनी है। एज वेल एज रिजर्व्स की बात की जाए तो रिजर्व्स देखिए, कंटिन्यूसली पिछले 5 साल से इनकी कंपनी के रिजर्व्स बढ़ते जा रहे हैं और अभी के टाइम पे लगभग 135.03 करोड़ रुपीज़ के इनके पास रिजर्व्स एंड सरप्लस है। और जैसे कि ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू कि डेट फ्री कंपनी है तो लॉन्ग टर्म बोरिंग देखिए, कोई भी लॉन्ग टर्म बोरिंग नहीं है। एज वेल एज शॉर्ट टर्म बोरिंग की बात की जाए तो पिछले साल 40 करोड़ रुपए का कर्ज था, बट इस साल वो सारा का सारा उन्होंने चुका दिया और डेट फ्री अपने आप को बना लिया और शॉर्ट टर्म भी बोरिंग इनके पास 0 है। एज वेल एज इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो कंपनी ने किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट नहीं कर रखा है और कैश इक्विवेलेंट की बात की जाए वो भी पिछले 5 साल से कंटिन्यूसली बढ़ता आ रहा है और अभी लगभग 75 करोड़ रुपीज़, 74.39 करोड़ रुपीज़ के कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कंपनी के पास है, जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव है। और अगर हम डिविडेंड की बात की जाए तो मैंने ऑलरेडी बताया कि इस साल कंपनी ने डिविडेंड दिया है काफ़ी सालों बाद। बोनस की बात की जाए, किसी भी तरीके का बोनस नहीं दिया है, किसी भी तरीके का स्प्लिट अभी तक कंपनी ने नहीं किया है। बट राइट्स इशू की बात की जाए तो कंपनी ने काफ़ी बार यहाँ पर राइट इशू अपने आप में लाया है, वो भी काफ़ी सालों पहले। आइए उस शेयर की तरफ चल लेते हैं। तो शेयर का नाम है, जैसे कि आप देख पा रहे, श्री दिग्विजय सीमेंट कंपनी लिमिटेड। तो शेयर की कीमत अभी लगभग 59.50 है। एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ मैं आपको कि ये एक स्मॉल कैप कंपनी है। ओके, लगभग अगर मैं यहाँ पर देख लेते हैं तो मार्केट कैपिटल 8.64 बिलियन रुपीज़ का यहाँ पर मार्केट कैपिटल है, जो कि स्मॉल कैप कंपनी में आता है। तो स्मॉल कैप कंपनी है ये। ओके, और ये कंपनी काफ़ी टाइम मतलब 1995 से एग्जिस्ट करती है और कभी इसका प्राइस देखा जाए तो 50 पैसे था और अभी लगभग 62 रुपीज़ पर, ये सिर्फ 59.50 पे चल रही है। और आज का हाई भी देखा जाए, अगर मैं आपको बताऊं हाई की, तो आज के दिन ही कंपनी ने लगभग अपना 52 वीक हाई लगाया है, जो कि 62.40 रुपीज़ है। यहाँ पर देख लेते हैं वन मंथ वन डे का चार्ट पैटर्न। जैसे कि मैंने बताया 8.18% की जंप, 4 रुपये की जंप, 4.5 रुपये की जंप यहाँ पर देखी गई है। 5 डेज में देख लीजिए कंटिन्यूसली चार्ट पैटर्न ऊपर की तरफ जाता हुआ। वन मंथ का देख लीजिए, 6 मंथ का देख लीजिए। जैसे कि आपको रिटर्न्स ऑलरेडी बता चुका हूँ, 150% की रिटर्न, और 2 साल में, 1 साल में तो कंपनी ने 250% की रिटर्न यहाँ पर आपको कमा के दी है। और मैक्सिमम की बात की जाए तो मैक्सिमम भी देखिए, यहाँ पर चार्ट पैटर्न पॉजिटिव ही नज़र आ रहा है। कंपनी 1995 में 43 पे जी थी और जैसे कि राइट इशू कंपनी लाई है काफ़ी बार। ओके, एंड अभी कंपनी ने फ्रेश अपना 52 वीक हाई लगाया है और अभी भी कंपनी 59.50। तो जैसे कि आपको पता ही है, इंडियन गवर्नमेंट लैक्स ऑफ करोड़ रुपीज़,
ओके इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करने वाली है, और इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करने वाली है तो ऑब्वियस सी बात है कि बिना सीमेंट के, बिना रॉ मटेरियल के तो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो नहीं जाएगा। तो रॉ मटेरियल में सीमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रोल प्ले करता है। तो आपको इन छोटे छोटे शेयर्स पे नज़र रखनी चाहिए, और छोटा शेयर्स तो है ही। देखिए डिस्क्लेमर यही था कि स्मॉल कैप कंपनी है, स्मॉल कैप कंपनी भागती बहुत तेज़ है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि 1 साल में 250% की रिटर्न। और अगर गिरेगी, अगर कुछ मार्केट में कुछ गिरावट होती है तो ये शेयर उसी तरीके से गिरता हुआ नज़र भी आएगा, जैसे कि आप यहाँ पर चार्ट के हिसाब से देख ही रहे हैं। 48 का शेयर 50 पैसे तक पहुँचा है, फिर दोबारा ये 43, फिर आपको बड़ी बड़ी गिरावट यहाँ पर देखी गई है। देखिए 39 का शेयर 5 रुपीज़ पर आ गया था, फिर 15 का। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल इस शेयर वॉलेटिलिटी इस शेयर में नज़र आती है आपको। क्यों? क्योंकि ये शेयर स्मॉल कैप कंपनी का है, बट इसके फंडामेंटल्स काफ़ी स्ट्रांग है, जैसे कि इनका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एज वेल एज डेट फ्री कंपनी, रिजर्व्स भी इनके पास काफ़ी अच्छे हैं। तो इसलिए ये कंपनी को मैंने चूज़ किया है। काफ़ी अच्छा इनका बैलेंस शीट है, एज वेल एज तो पिछले 1 साल से कंपनी, 1 साल से, 2 साल से, और 10 साल की भी बात की जाए तो कंपनी कंटिन्यूसली अपने आप को अच्छे रिटर्न अपने शेयर होल्डर्स को प्रोवाइड करते जा रही है। तो इस कंपनी की तरफ आप नज़र रख सकते हैं। बट फिर एक बार डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि स्मॉल कैप कंपनी है, और स्मॉल कैप कंपनी में अगर जंप होती है अच्छी खासी तो वो गिरती भी अच्छी खासी है। तो अगर आपको एक अच्छे वैल्यू पे अगर ये मिलता है शेयर, तो आप इसे लॉन्ग टर्म में लेके रख सकते हैं। डेट फ्री कंपनी है, जैसे कि ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। और कम जैसे गवर्नमेंट खर्च करने वाली है तो फ्यूचर भी काफ़ी अच्छा इसका हो सकता है। मैनेजिंग इनके डायरेक्टर्स वगैरह भी कुछ चेंज हुए हैं, जिन्होंने पिछले 10 साल से कंपनी में काफ़ी अच्छा ग्रोथ, जो नेगेटिव में रिपोर्ट आ रहा था रिटर्न्स, पिछले 10 साल से पॉजिटिव में आपको रिटर्न्स आता हुआ नज़र आ रहा है। क्योंकि 10 साल पहले इनके मैनेजिंग डायरेक्टर अनिल सिंघवी, जो कि काफ़ी अच्छे मैनेजर मैनेजमेंट है उनका, तो वो चेंज हो गया है, जिस वजह से कंपनी पिछले काफ़ी साल से लॉस से कवर होते हुए पॉजिटिव की तरफ आ गई और डेट फ्री कंपनी बन गई है। तो इस कंपनी की तरफ आप नज़र बना के रख सकते हैं। डेट फ्री कंपनी है, अच्छी कंपनी है, फंडामेंटल स्ट्रांग है, और ज़्यादा स्मॉल कैप कंपनी है तो वॉलिटिलिटी है, और 60 रुपीज़ का शेयर आपको मिल रहा है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करिए, एज वेल एज आप हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाजार को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको इस तरीके की वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। तो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।